सो फाइनली आज मैं पहुंच गई हूँ मॉनसून सैलून भवानीपुर नियर फोरम मॉल एंड मुझे अपने लुक में करने थे कुछ चेंजेस एंड स्पेशली फॉर माय हेयर जो कि काफ़ी डल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा रफ भी। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लिया था एंड मेरे घर से ये सैलून बहुत ज़्यादा ही दूर है, बट देखिए आते भी हम वहीं पर हैं जहाँ हमको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो सर्विस तो मैं आपको यहाँ की बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से मैं 1.5 से 2 घंटे की ट्रैवलिंग करके यहाँ पर आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए। एंड जो ट्रीटमेंट मैंने करवाया है उसका नाम है बायोटिन ट्रीटमेंट और इसको 13 ईयर की एज से लेके कितने भी साल के पर्सन करवा सकते हैं एंड इट्स अ वीगन प्रोडक्ट एंड नो हार्मफुल एट ऑल। तो सर्विस तो चलिए मैंने आपको बता दी कि बेस्ट एंड बेस्ट है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। एंड एक बार तो मैं आपको बोलूंगी कि यहां आप विज़िट ज़रूर कीजिए एंड आई एम श्योर कि यहां विज़िट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। सो चलिए मेरा ट्रीटमेंट तो हो गया है कंप्लीट एंड दिस इज़ माय कंप्लीट लुक आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया है एंड लुक आप देख सकते हैं हेयर्स का बहुत सही आया है। तो बस उसके बाद मैं तो चल पड़ी थी घर क्योंकि काफ़ी समय भी यहाँ हो गया था, बट फिर मुझे पता चला कि मनीषा तो यहीं है सैलून में, वापस मैं सैलून में गई हूँ और उसके बाद हम साथ में निकले हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मनीषा इज़ द ओनर ऑफ दिस सैलून। सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है संडे एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। तो बस सैलून से वापस आने के बाद एस सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे घर आने में ही 8:30 रात के बज गए थे और दूर भी बहुत ज़्यादा है, बट सर्विस इतनी अच्छी है मॉनसून सैलून की कि मैं वहीं जाती हूँ कोलकाता में। तो बस अब आपसे मिल रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग। सो यहाँ सुबह से काफ़ी कुछ काम निपटा के मैं यहाँ नहा ली थी। सो नहा के हो गई हूँ मैं रेडी, जाऊँगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और क्योंकि ये सैटरडे का दिन था, यानी कि कल की ही बात मैं कर रही हूँ, तो जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ इस घर में तो बिल्कुल जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं वो नहीं मैंने की थी, क्योंकि शिफ्टिंग एंड ऑल शिफ्ट होने के बाद में भी थोड़ी बहुत चलती ही रही है, एक बार में कम्प्लीट नहीं हो पाती है। और यहाँ तुलसी मैंने रख दी है, एक जो गिलसिया है छोटी सी उसमें हल्का सा पानी डाल के, तो ये 2 से 4 दिन सही रहती है और डेली ही मुझे तुलसी पूजा में काम में लगती ही है। तो बस सारा मंदिर साफ़ सफाई करके मैंने पूजा तो यहाँ कर ली थी। उसके बाद मैं फिर ये खाना बनाने के बाद शूट किया है दाल चावल आलू का चोखा और पापड़, तो बस यही खाना था हमारा। और उसके बाद मैं बनाई थी लस्सी, तो ये लस्सी है शुगर फ्री की, चीनी की नहीं है। तो रितेश आया हुआ था और उसने बस खाना खाया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे उसके लिए और अपने लिए लस्सी बनाई है, तो उसने ही बोला कि चीनी मत डालिए, शुगर फ्री की पीते हैं। तो बस वही हल्की मीठी सी जैसे करके बनाई है, तो हल्का सा गुलाब जल कुछ ड्रॉप डाल दो और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दो तो एकदम मज़ेदार लस्सी बन जाती है। और ड्राई फ्रूट डालना ना डालना टोटली अप टू यू, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, बट रितेश को बहुत पसंद है इसलिए उसके ग्लास में मैंने
काजू डाले हैं। तो बस ये लस्सी बना ली थी और उसके बाद में खा पी के मैं सच में जाके आधा घंटा सो गई थी कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है और बहुत काम करना है, खटना है। सो गई थी, उसके बाद में उठी हूँ तो यहाँ कुछ तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, साथ में संध्या मासी भी थी। तो जब दो हाथ की बजाय 6-6 हाथ रहेंगे और दो हाथ हमारी मम्मी के भी थे सब ने मिल के पूरा एकदम जो बोलते ना सफाई अभियान, तो 3-4 जन ने मिल के किया तो सफाई कैसे हो गई पता नहीं चला। और पूरे टिप के साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि इतनी डीप क्लीनिंग करने के लिए जो सफाई है वो कैसे करें जो इजी पड़े। देखिए अगर एक से ज़्यादा पर्सन रहें तो इजी है ही, और अगर आप अकेले साफ़ सफाई करते हैं जैसे कि मैं इतने सालों से करती आ रही थी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक दिन बांध लीजिए कि मुझे इस दिन सफाई करनी है, और जिस दिन वो दिन आ जाए तो उस दिन आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच बहुत हल्का टाइप का रखिए, जो एक चीज़ बनाओ और सब खाओ, इतना तामझाम उस दिन नहीं चलेगा। और सफाई करते टाइम एक कपड़ा गीला रखिए, एक कपड़ा सूखा रखिए। सूखे से सबसे पहले पोंछ लीजिए जो धूल मिट्टी है, उसके बाद गीले से पोंछ लीजिए जैसे कि ये झाड़ है और ट्यूबलाइट वगैरह है, पंखा है, तो सबसे पहले तो सूखे से पोंछिए उसके बाद गीले से पोंछिए, तो एकदम सही साफ़ सफाई हो जाती है। और ये सीढ़ी तो इतनी ज़्यादा काम में आ रही है, ऐसी सीढ़ी आप ज़रूर रखिए घर में, पोर्टेबल है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। और अभी तो ये जो घर है ये मॉड्यूलर घर है पूरा, फॉल सीलिंग एंड ऑल, तो इसको भी मैंने मतलब साफ़ करने के लिए कुछ ऑनलाइन से एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगाया है, अपने झाड़ू कपड़े से ही मैं सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। तो 15-15 दिन के गैप में अगर इतनी डीप क्लीनिंग हो जाया करे घर में तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहेगा। और कोलिन से मैं वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार ये एसी को मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये वाइट है और थोड़ा जैसे मैं देखती हूँ कि हल्के से जैसे मुझे दाग समझ में आते हैं। तो वैसे भी मुझे घर में बोलते हैं बच्चे लोग भी कि आपको साफ़ सफाई की OCD है, कुछ भी पड़ा है तो उसको भी उठा के रख देती हैं आप, तो मुझे OCD है भाई घर वालों के हिसाब से तो मैं साफ़ सफाई ऐसे ही करती हूँ। सारे पंखे मैंने पहले पोंछे हैं सूखे कपड़े से, पूरी धूल मिट्टी हट गई, फिर गीले से मैंने पोंछे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक एक पोर्शन मैं साफ़ करती चल रही हूँ वो काफ़ी अच्छा क्लीन लग रहा है। और सब झाड़ा झूड़ी करने के बाद में यहाँ मैंने स्टार्ट किया ग्रिल को साफ़ करना। तो ग्रिल को पूरा झाड़ू से झाड़ वाड़ के उसके बाद जो सूखा कपड़ा है बस उससे मैंने पोंछ दिया था। तो ये डेली मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ ग्रिल साफ़ करना, तो ये वीक में या फिर 10 दिन में मैं एक बार करती हूँ। हाँ, झाड़ू मैं डेली लगा देती हूँ ग्रिल में, तो इतना जो जाला और धूल मिट्टी नहीं जमा होती है। तो यहाँ ग्रिल वगैरह भी क्लीन हो गई थी, तो ऑलमोस्ट पूरी सफाई हो गई थी। एंड जो खोली चादर है यानी कि बेडशीट, वो मैंने संध्या मासी को दे दी थी, तो दोनों ही हाउस हेल्पर ने मिलके अच्छी तरीके से बिछा लिया था। तो वही है कि जहाँ मैं एकदम अकेली करती थी साफ़ सफाई और यहाँ 3-4 जन हम लोगों ने मिलके किया, मम्मी भी लग गई थी साथ में, तो इतनी जल्दी हो गया कि मैं क्या बताऊँ। तो मेहनत भी कम लगी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है कि मेरे कपड़े आप पीछे से अभी देखिएगा तो पूरी मैं भीगी हुई हूँ, यानी कि पूरे कपड़े निचोड़ने लायक हो गए। तो इतना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होता ही है स्टार्टिंग से, आज से नहीं, गर्मी में मैं भीगी हुई ही रहती हूँ। अगर एक दाल भी बना के निकल जाऊँ तो उसमें भी मैं भीगी हुई रहती हूँ। सो बस यहाँ पे खोली चादर भी बिछाना हो गया था, बेडशीट वगैरह, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि बस किचन ही रह गया है, तो लगे हाथ फिर मैंने बाद में किचन भी किया है। उससे पहले यहाँ वॉशरूम में पूरा झाड़ू वाड़ू मैं लगाने लगी हूँ, वैसे यहाँ पे कोई भी जाला वाला नहीं था, फिर भी लगे हाथ कर दिया तो साफ़ सफाई हो गई। और उसके बाद में जो दोनों बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन हैं उसको भी मैंने खड़े होकर के सूखे कपड़े से क्लीन किया है, उसमें मैंने गीला कपड़ा नहीं लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रिक का चीज़ है तो इतना ज़्यादा गीला वगैरह नहीं लगाना चाहिए। और बहुत ही मतलब एकदम इसको बहुत संभाल के साफ कीजिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की चीज़ है, सबसे पहले तो पूरा जैसे स्विच वगैरह पूरा ऑफ कर दीजिए और तब ये सब आप क्लीन कर लीजिए।
और अगर आपने भी अपने किचन में पीवीसी यूज़ किया है कैबिनेट के ऊपर, तो उसको बिल्कुल भी सर्फ से या फिर स्कॉच ब्राइट वगैरह से घिस के क्लीन मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। तो कोलीन से कीजिए, और या फिर शैम्पू का जो पाउच आता है उसको एक थोड़े से पानी में घोल के उससे कीजिए आप। जैसे कि मंदिर भी मेरा पीवीसी का ही है, तो इन सब चीज़ों से वो अच्छा क्लीन हो जाता है। और यहाँ सब कुछ मैं कर चुकी थी क्लीन, और किचन भी कर लिया था। मैं इस टाइम पे पूरी भीग रही थी पसीने में, तो बस मैंने ये जो एसी ब्लैंकेट है इसको उठा के रखा है, और उसके बाद डायरेक्ट मैं नहाने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि फिर इतने भीगे में बैठे रहो तो फिर बीमार ही होना है। अगर वो पसीना सूख जाएगा बदन में तो बीमार ही होना है। तो बस यहाँ मैंने नाइटी निकाली है और मैं सीधे चली गई हूँ नहाने के लिए। तो इतनी अच्छी खासी डीप क्लीनिंग हो गई, तो 15 दिन में अगर एक बार भी कर लो तो घर का एक एक कोना चमकेगा ही। और यहाँ मैं नहा ली थी, और मैंने शैम्पू नहीं किया है, बट मेरे बाल पूरे स्वेटिंग हो गए थे, गीले थे, तो बस दूसरे दिन सुबह तो शैम्पू करना ही था, तो बस यहाँ तो मैं नहा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग गई थी मैं। सो इस तरीके से मेरा फ्राइडे से सैटरडे शाम तक का पूरा दिन गया है साफ़ सफाई में। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।